भाई आपसे किसने कह दिया कि 45,000 के अंदर तो सिर्फ नॉर्मल लैपटॉप मिलते हैं हल्के फुल्के काम करने के लिए, क्योंकि ये चीज तो टोटली रॉन्ग है। अरे भाई 45,000 के अंदर आपको इतने प्यारे प्यारे लैपटॉप मिलते हैं ना, प्रोफेशनल थिन एंड लाइट कैटेगरी वाले गेमिंग लैपटॉप, हर एक डिस्प्ले साइज के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा, हर एक सीरीज वाला प्रोसेसर मिल जाता है, इतना बढ़िया बजट है ये तो। एंड आप इन लैपटॉप्स को चाहे प्रोफेशनली यूज करो, गेमिंग के लिए यूज करो, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स, कोडिंग करना चाहते हो, वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो, भाई सब कुछ, एडिटिंग भी हो जाएगी। लेकिन हाँ, सभी लैपटॉप पे सारे काम नहीं होते, तो वीडियो आपने ध्यान से देखनी है ताकि आपको पता चले कि जिस चीज के लिए लैपटॉप लेना है उसके लिए अपने लैपटॉप के अंदर क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि ये लैपटॉप है डेल वॉस्ट्रो 3420, भाई लैपटॉप एकदम ही शानदार है एंड 45,000 के अंदर ना वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। मजे की चीज ये है कि ये लैपटॉप आपको दोनों डिस्प्ले साइज के अंदर मिल जाता है, 14 इंच के अंदर भी एंड 15.6 इंच के अंदर भी, फुल एशिया एंटी WVI डिस्प्ले की, 250 Hz की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। अब इसका जो प्रोसेसर है ना वो हमें दिया गया i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर है यू सीरीज का 1235U। अब यू सीरीज होने की वजह से ना इसकी जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा बढ़िया एज कम्पेयर टू पी और एच सीरीज का प्रोसेसर। अब ऐसा करते हैं कि UPH का भी फंडा समझ ही लेते हैं। देखो तीन सीरीज के अंदर आपको प्रोसेसर मिलते हैं 45,000 के अंदर, UP और H। U वाले जो होते हैं ना वो बने होते हैं बेसिक काम करने के लिए, इनके ऊपर अपनी एडिटिंग एंड गेमिंग वगैरह नहीं होती, नॉर्मल बाकी सारे काम हो जाते हैं। एंड इसका जो बैटरी बैकअप होता है ना यू सीरीज वाले लैपटॉप्स का वो सबसे अच्छा होता है। एंड उसके बाद जो पी एंड एच सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं ना वो परफॉर्मेंस के अंदर काफी बढ़िया होते हैं लेकिन उनका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं होता। तो मेक श्योर कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लैपटॉप बाय करना है। अगर आपने हैवी काम करने एच सीरीज वाला प्रोसेसर लो, मीडियम लेवल तक के हैवी काम करने है पी सीरीज वाला, एंड अगर आपने नॉर्मल काम करने है प्रोफेशनल यूज करना अपने लैपटॉप को स्टूडेंट हो, फिर यू सीरीज का लैपटॉप आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा क्योंकि अपने को बैटरी बैकअप काफी बढ़िया मिल जाता है। फिर इंटेल के यूएसबी ग्राफिक्स एमएस ऑफिस अगर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप है, 3 USB Type-A HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक मिल जाएगा लैपटॉप में, एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स, भाई कैरी करने में आपको बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा, जरूर कंसीडर करो इसे। आगे बढ़ते हैं, एसर का एस्पायर लाइट लैपटॉप है, इसका प्राइस 46,000 के आसपास है। देखो प्रोसेसर इसके अंदर सेम दिया गया i5 कोर 35U 10 कोर 12 थ्रेड्स, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो हमें सेम मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर हमें जो रैम मिल जाती है ना वो डेल वाले लैपटॉप के कंपैरिजन में डबल रैम है, 16 GB की रैम है एक्सपेंडेबल 32 GB तक, 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, एंड इसके जो बाकी सारे फीचर्स है ना वो कम्प्लीटली सेम है, 15.6 इंच की डिस्प्ले साइज, फुल एशिया एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं, एंड इसके अंदर हमें सारी पोर्ट्स दे रखे हैं, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए, 2 USB 2.0 टाइप ए, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी, ईथरनेट, HDMI एंड 3.5mm जैक। तो ये लैपटॉप आप जरूर कंसीडर करो क्योंकि हमने सिर्फ 1000 से 1500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं एंड हमें 16 GB की रैम मिल रही है, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। इस लैपटॉप का एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है जो कि आप में से मोस्ट ऑफ यूजर्स का ना फेवरेट लैपटॉप है, सैमसंग की गैलेक्सी बुक 2। देखो स्पेसिफिकेशन दोनों ही लैपटॉप की ना कम्प्लीटली सेम है एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी सेम है क्योंकि दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर हमें मेटल की बॉडी मिल जाती है। सैमसंग का जो फॉर्म फैक्टर है वो दिखने में थोड़ा प्रीमियम लगता है लेकिन उसके अंदर हमें सिर्फ 8 GB की रैम मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही लैपटॉप्स एक दूसरे के अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो एंड सभी के बेस्ट स्पेलिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं HP का लैपटॉप आपको बताता हूं, वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है HP 15S। इसका जो प्राइस है ना वो अराउंड 42,000 या फिर 43,000 के आसपास मिलेगा आपको। बैकलिट कीबोर्ड है, प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है, राइजन 5 प्रोसेसर दिया गया 5500U। लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग, ये जो 5500U प्रोसेसर है ना ये इस बजट का राइजन का सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोसेसर है। अब इसका ना कंपैरिजन करके देखते हैं, जो इसी बजट के अंदर हमें राइजन के प्रोसेसर मिल जाते हैं ना, 5425U हो गया, 7320 हो गया, 5300U हो गया, उन सभी के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है एंड इसके अंदर हमें 16 GB की रैम मिल रही है। बाकी सभी लैपटॉप्स के अंदर मोस्टली 40,000 के बजट के अंदर आपको सिर्फ 8 GB की रैम मिलती है लेकिन इसके अंदर हमें 16 GB की रैम मिल रही है, ये भी बढ़िया चीज है। 512 GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, रैम इसकी एक्सपेंडेबल नहीं है, मैक्सिमम अपना लैपटॉप सिर्फ 16 GB की रैम को सपोर्ट करता है जो कि मैं पहले से दे रखी है। 15.6 इंच की फुल एशिया एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 Hz की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, एमएस ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 41 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडैप्टर, 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती है लैपटॉप में, बढ़िया लैपटॉप है जरूर कंसिडर करो। इससे भी ज्यादा पावरफुल लैपटॉप आपको बताता हूँ जो की अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लिनोवो की थिंकबुक 15G5। इसका प्राइस है ना वो हमें मिलेगा 44,000 या फिर 45,000 के आसपास एंड इसके अंदर में राइजन 5 प्रोसेसर दिया गया लेकिन 5500U से ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है, 7530U 7000 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड्स। अब इसका ना कंपैरिजन चेक करते हैं, 23% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है सिंगल कोर में एज कम्पेयर टू 5500U एंड मल्टी कोर में 18% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। हमने 3-4 हज़ार रुपए ज्यादा लगाने हैं एंड हमें ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर मिल जाएगा, तो इसे तो हमने जरूर कंसिडर करना। ओके 16 GB की रैम मिल जाती है, ये भी चीज बढ़िया है, हमें 8 GB की रैम नहीं मिल रही बल्कि 16 GB की रैम मिल रही है, डबल रैम है एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, साथ में 512 GB की Gen 3 SSD
फैसिलिटी विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 45% एनटीएससी, एएमडी के रेडियन ग्राफिक्स के साथ ही हमें इसके अंदर जो बैटरी बैकअप मिलता है वो मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे तक का, एंड अपना लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। 45 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा एंड सारी नेसेसरी बोर्ड्स हैं इसके अंदर। दो यूएसबी 3.2 जेन 1 जिसमें से एक ऑलवेज ऑन वाली है, दो यूएसबी 3.2 जेन 2 जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले पोर्ट, इन तीनों को सपोर्ट करती है। एचडीएमआई 2.1, एक एसडी कार्ड स्लॉट है, ईथरनेट एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सब कुछ हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद लैपटॉप के अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर दिया गया। देखो जो भी एक 45,000 के लैपटॉप के अंदर मैक्सिमम मिल सकता है ना, वो सब कुछ हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चर्चा में रहने वाला लैपटॉप बताता हूँ आपको, ऑनर का मैजीबुक X16। देखो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 47,000 के आसपास, लेकिन लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन हमें कमाल के मिल जाते हैं सच्ची में। i5 का 12 450H प्रोसेसर है, 12 जनरेशन का, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। सिंपल चीज आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको प्रोसेसर के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, एंड आपने जानना भी नहीं है, आप सिर्फ ये चीज समझ लो कि ये जो 12 450H प्रोसेसर है ना, ये इस बजट का वन ऑफ दी बेस्ट प्रोसेसर है। सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। 16 GB की रैम विच इज नॉट एक्सपेंडेबल, 40 to 66 MHz वाली रैम है, 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 16 inch की डिस्प्ले, फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 45% एनटीएससी, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड इंटेल के यूएसबी ग्राफिक्स। लैपटॉप में हमें 42 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का टाइप सी अडैप्टर दिया गया, दो यूएसबी टाइप एक यूएसबी टाइप सी, एचडीएमआई 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती है। बस इस लैपटॉप का मुझे एक ही नेगेटिव पॉइंट लगता है कि इसके अंदर हमें बैकलेट कीबोर्ड नहीं मिलता। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बढ़िया लैपटॉप है, लेकिन आपने इस लैपटॉप को अगर बाय करना है तो उससे पहले ये चीज समझ लो कि आपके आसपास सर्विस सेंटर होना चाहिए, क्योंकि ऑनर के सर्विस सेंटर थोड़े कम है। दैट्स व्हाई आपको आफ्टर सेल सर्विस के अंदर कोई दिक्कत ना मिले, इस चीज का ध्यान रखना, सर्विस सेंटर चेक कर लो, बस उसके अलावा सब कुछ बढ़िया। अब ये तो बात हुई प्रोफेशनल लैपटॉप की, भाई गेमर्स को कैसे भूल सकते हैं लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप। 45,000 के अंदर आपको इससे बढ़िया लैपटॉप मार्केट के अंदर नहीं मिलने वाला, स्पेशली गेमर्स के लिए। लैपटॉप के अंदर हमें राइजन 5 प्रोसेसर मिल जाता है, 5500H, 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ ही 8 GB की रैम मिल जाती है, 32 GB तक एक्सपेंडेबल है, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी आईपीएस एनटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 350 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% एनटीएससी। देखो लैपटॉप के अंदर हमें एनवीडिया जीफोर्स आरटीएक्स 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4 GB का, TGP 70 वॉट्स है इसकी। सारे गेमिंग स्कोर्स चेक कर लो, चाहे GTA 5 है, वर्ल्ड वॉर ज़ी है, बैटल फील्ड है, सबके अंदर हमें एकदम ही कमाल की परफॉर्मेंस मिल जाती है। एंड ये लैपटॉप अपना फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। देखो इसी बजट के अंदर ना आपको HP का विक्टस लैपटॉप मिल जाएगा, 5600H प्रोसेसर के साथ, ये वाला मॉडल है। ये लैपटॉप ना काफी बढ़िया है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी अच्छा दिया गया, RX 6500 MAH, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले ना उसके अंदर हमें 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। दैट इज वाई मैं आपको ये लैपटॉप रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि हमने कोई भी गेमिंग लैपटॉप ऐसा बाय नहीं करना जिसके अंदर हमें कम से कम 120Hz का रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा, डोंट बाय दैट लैपटॉप। सारी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, दो यूएसबी टाइप ए 3.2 जेन 1, एक यूएसबी टाइप सी है 3.2 जेन 1 जो कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, एक HDMI ईथरनेट एंड साथ में 3.5mm जैक। इसके भाई एडिशनल फीचर्स भी चेक कर लेते हैं एक बारी, ई कैमरा शटर दिया गया फॉर बेटर प्राइवेसी, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा लैपटॉप में, एक्सबॉक्स का गेमिंग पास दिया गया 3 महीने के लिए, भाई और क्या चाहिए आपको, गो फॉर इट। 45,000 के अंदर सबसे बढ़िया लैपटॉप आपके लिए, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो 45,000 के अंदर ये जो सारे लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं ना, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है इस टाइम पे, आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो, जो भी आपको बढ़िया लगता है, सभी के अंदर आपको परफॉर्मेंस एकदम कमाल की मिलेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।